बट उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेके वहाँ पे पहुँच सकते हो। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि उसका फीस कितना रहेगा या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग सिंगापुर का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर। मैं आपके साथ सिर्फ ये नहीं शेयर करने वाला हूँ कि कौन से प्लेसेस अच्छे हैं, भाई वो तो सब करते हैं, बट उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेके वहाँ पे पहुँच सकते हो। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि उसका फ़ीस कितना रहेगा या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और इसमें से सबसे पहला प्लेस है जो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा फेमस है और आप लोग जो है वो डेफिनेटली उसको देखने के लिए जाओगे, वो है मरीना बे सैंड्स। तो मरीना बे सैंड्स पे बहुत सारे लोकेशंस हैं, अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे तो एक दिन में आप लोग आराम से सारी चीज़ें घूम सकते हैं। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने दिन का टूर अगर आप लोग करोगे तो सही रहेगा, जिसमें आप ये सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाओ। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं मरीना बे सैंड्स के बारे में। मरीना बे सैंड्स में आप लोगों को सबसे पहला फेमस चीज़ मिल जाएगा, वो है मरलायन स्टैचू, यानी कि फ़िश की बॉडी और शेर का जो फेस है वो वाला चीज़, जो आप लोगों ने सिंगापुर में बहुत सारे वीडियो में देखा रहेगा, तो वो फेमस है सिंगापुर में, तो वो आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पे हेलिक्स ब्रिज भी मिल जाएगा और एस्प्लानडे थिएटर भी वहीं पर है जिस पर क्रिश मूवी का शूटिंग हुआ था, अगर आपने ध्यान से वो पार्ट देखा रहेगा तो। और वहीं से आप लोगों को सिंगापुर का जो फेमस या फिर बोले कि सबसे कॉस्टली होटल है वो, उसके भी दर्शन हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पे पहुँचने के लिए आप लोगों को कौन सा या फिर कौन सी मेट्रो लेनी पड़ेगी, तो जनरली जैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि सिंगापुर में आओगे तो एयरपोर्ट पर ही आप लोगों को फ्री पास मिल जाता है 3 दिन का, तो आप वो ले लेना, जिसमें आप लोग अनलिमिटेड मेट्रो की राइड कर सकते हो, बस की राइड कर सकते हो। तो आप लोग जहाँ पर भी रुके हो वहाँ से आप लोगों को ब्लू मेट्रो जो है वो ढूंढना है, और ब्लू मेट्रो से आप लोग ट्रैवल करके वहाँ पे जा सकते हो। स्टेशन का नाम है बे फ्रंट, और वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो मतलब बोलो कि सिंगापुर का जो होटल है उसके अंडरग्राउंड में ही मेट्रो है और वहाँ पे आप लोग पहुँचोगे, और जैसे ही बाहर निकलोगे तो आप लोगों को गार्डन बाय द बे देखने मिलेगा। अगर आप वहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करके आगे जाओगे तो आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, तो आप लोग ब्लू मेट्रो को ट्रैवल करके जा सकते हो। उसके अलावा एक और स्टेशन है वहाँ पे आप लोग उतर सकते हो और चल के जा सकते हो, अगर आप लोगों ने दे दनादन मूवी देखा रहेगा जो फुल्ली सिंगापुर में शूट हुआ था, तो एग्जैक्टली वो जो होटल यूज किया था जिसका नाम है पैन पैसिफिक, उसके अंडर ही जो है वो ये मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम है प्रोमिनेड, और वहां से आप लोगों को थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। सबसे पहला आपको जो मिलेगा वो है एस्प्लानाडे, फिर उसके बाद आप लोगों को बर्लिन स्टैचू मिलेगा, फिर आप लोगों को सिंगापुर बे का पूरा व्यू मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप लोग कर सकते हो, और ये सारा चीज़ मैंने आपको बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदर देन MRT या मेट्रो का जो कॉस्ट आपको लगेगा उसके अलावा। अब बात करते हैं दूसरे प्लेस के बारे में जिसका नाम है गार्डन बाय द बे, और साथ में क्लाउड फॉरेस्ट आप लोग इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि दोनों भी पास पास में ही है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर ब्लू MRT लेके जाओगे तो बे फ्रंट में आप लोग उतरोगे, एग्जैक्टली जैसे बाहर निकलोगे तो आपको गार्डन बाय द बे देखने मिलेगा। तो गार्डन बाय द बे आप एंटर कर सकते हो या फिर आप ये साइड में जा सकते हो जहाँ पर मरीना बे सैंड्स है। तो गार्डन बाय द बे में आप लोग जाओगे तो डेफिनेटली गार्डन तो फ्री है, बट कुछ जगह पर आप लोगों को चार्ज लग सकता है, जैसे क्लाउड फॉरेस्ट पकड़ लो या फिर फ्लावर डोम पकड़ लो, इनका जो है वो एंट्री फ़ी है, इनका कॉस्ट है। उसके अलावा और भी कुछ जगह है जहाँ पे आप लोग जा सकते हो जिनका कॉस्ट है, तो मैं ये दो चीज़ें पॉपुलर है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक है फ्लावर डोम, दूसरा है क्लाउड फॉरेस्ट, और दोनों का कॉस्ट है समवेयर अराउंड 53 SGD। अगर आप लोगों को किसी का भी बुकिंग करना है तो आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा, बट ज़्यादा करके मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि एयरपोर्ट पे उतरोगे तो वहीं से आप लोग पूरा पैकेज ले लेना, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही सस्ता मिलेगा एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घूमने के लिए फ्री में मिल सकती है, मतलब फ्री में मतलब एक छोटा सा कॉस्ट पे करने के बाद। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर जाने के लिए ऑरेंज या फिर ब्लू MRT आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद तीसरे प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो तीसरे मतलब कुछ मिक्सचर ऑफ प्लेसेस है जहाँ पे आप लोगों को मिक्स तरीके का सब चीज़ देखने मिलेगा। पहला है लिटिल इंडिया, दूसरा है अरब स्ट्रीट, और तीसरा है चाइना टाउन। आप लोग इन तीनों जगह पे आराम से जाके घूम सकते हो।
अब पहले हम लोग बात करते हैं लिटिल इंडिया के बारे में। तो लिटिल इंडिया मतलब यहाँ पे इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा है, इंडिया का आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ देखने मिलेगा। इवन वहाँ पे एक टेंपल भी है, और आप लोगों को अगर इंडिया के रिगार्डिंग कुछ सोविनियर खरीदना है या स्वीट्स टेस्ट करना है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। जनरली ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बट होटल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो लिटिल इंडिया स्टेशन तक, MRT स्टेशन तक पहुंचने के लिए आप लोगों को जो है वो ब्लू मेट्रो लगेगा या फिर पर्पल मेट्रो लगेगा। दोनों में से आप कोई भी तरीके का मेट्रो यूज़ कर सकते हो, और लिटिल इंडिया नाम का स्टेशन आएगा, वहां पे आप लोग उतर सकते हो और चल के जाओगे तो आपको पूरा का पूरा लिटिल इंडिया, वो जो स्ट्रीट है वहां पे आप लोगों को बोलेंगे तो एक तरीके से आपको पूरा ऑलमोस्ट इंडिया वाला ही फीलिंग आएगा। तो अब बात करते हैं अरब स्ट्रीट के बारे में। तो अरब स्ट्रीट पर जाने के लिए आप लोगों को एक तो ब्लू MRT मिल जाएगा या फिर जो है वो ग्रीन MRT मिल जाएगा। तो एक तरीके से आप लोग जो है बुगी स्टेशन पे उतर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मतलब एक तरीके से वो शॉपिंग सेंटर, एक तरीके से सिंगापुर का हैड बोल सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएगी एज अ सोविनियर और सब चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो। और वहीं से आप लोग थोड़ा सा चल के जाओगे तो आप लोगों को अरब स्ट्रीट मिल जाएंगे, मतलब मोस्टली आपको एक मॉस्की मिल जाएगा और उसके अलावा मोस्टली मुस्लिम जो चीज़ें होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद चाइना टाउन के बारे में बात करते हैं। तो चाइना टाउन में सेम आप लोगों को ब्लू या फिर पर्पल तरीके का मेट्रो लेके जाएगा, और ये सारी जगह भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग आराम से घूम सकते हो, कुछ खाना है तो खा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स आप लोगों को मिलेंगे, इंडियन, चाइनीज, मुस्लिम, जो भी आप लोगों को चाहिए वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसके बाद चौथे प्लेस के बारे में बात करते हैं, वो है सिंगापुर बोटेनिक गार्डन। तो ये एक तरीके से गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेंगी, फ्लावर्स, और एक तरीके जैसे गार्डन में होता वैसा। बट यहाँ का जो स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे बहुत साल पहले जो ट्रीज़ थी वो भी आप लोगों को वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को वहाँ पे जाना है तो एंट्री फ्री है, ये बहुत अच्छी बात है। बट वहाँ पे जाने के लिए आप लोगों को स्टीवंस MRT करके जो मतलब मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे उतरना पड़ेगा, और वो मेट्रो स्टेशन ब्लू से एंड ब्राउन से कनेक्टेड है। तो आप लोग आराम से जाके वहाँ पे उतर के थोड़ा सा वॉकिंग करने के बाद आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी, एंट्री फ्री है। हाँ, अगर आप लोगों को ऑर्किड फ्लावर का जो एक समथिंग पार्क है उसमें जाना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है। उसके अलावा सिंगापुर बोटानिकल गार्डन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक सो आप पूरा आधा दिन उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत जगह पे आप लोगों को घूमना पड़ेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी आप लोगों को वहाँ पे मिल सकते हैं। और रिटर्न आते टाइम अगर आप लोग ब्लू मेट्रो से आ रहे हो तो आप लोग क्लर्क के पे भी उतर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी मूवी के शूट हुए थे। फॉर एग्जाम्पल क्रिश का पकड़ लो, या फिर आप लोग पकड़ सकते हो दे दना दन, या फिर और भी बहुत सारी मूवीज़ जिनका शूट हुआ था सिंगापुर में, वो जो लोकेशन है वहाँ पे। अब पांचवा एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस मैं आप लोगों को बताता हूँ, जहाँ से आप लोगों को सिंगापुर का फुल व्यू देखने मिलेगा, उसका नाम है सैंड स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेस्क। तो ये मतलब आपने जो सिंगापुर का होटल देखा था, जो तीन होटल्स है जिसके ऊपर एक बोट का शेप बना हुआ है, वहाँ से आप लोगों को मिलेगा। उसकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको उसके लिए जो है वो पे करना पड़ेगा, एंड उसका एक टाइमिंग है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग लेके नहीं जा सकते, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। बट आप लोग वहाँ पे जाने के बाद सिंगापुर का पूरा व्यू देख सकते हो, पूरी सिटी का, तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। और मैं आपको बोलूँगा कि इसका एक्सपीरियंस आप लोगों को एक बार लेना चाहिए। मैंने अभी तक तो मतलब पर्सनली सच बोलूँ तो मैंने नहीं लिया है, बट होप सो कि जल्दी मैं सिंगापुर का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाने का भी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट मैंने विजिट की है, बट सिर्फ वो एक चीज़ रह गई है। तो मैं वहाँ पर जाके आप लोगों को बताऊंगा कि वो व्यू भी कैसा अच्छा है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट व्लॉग। वहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को सेम बे फ्रंट जो है ब्लू कलर की मेट्रो है वहाँ पर आप लोगों को उतरना पड़ेगा, या फिर ऑरेंज कलर की जो मेट्रो है वहाँ पर, और फिर आप लोग जो है वो ऊपर जा सकते हो। बट उसके लिए आप लोगों को पहले एंट्री फी या टिकट लेनी पड़ेगी। कुछ सिनेरियोस में वो बंद हो जाता है, जैसे कि अगर बारिश होता रहेगा तो बंद हो जाता है, रेन अम्ब्रेला वहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग ऑनलाइन देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, ऑब्जर्वेशन डेक की फ़ी है 35 SGD, बट कुछ कुछ सिनारियों में आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो कुछ वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हो। मैं आपको ये बोलूँगा कि पेमेंट पहले मत करना, पहले ये चीज़ जो है वो कंफर्म कर लेना कि वो ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं तो आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। अब इसके बाद छठवीं चीज़ का बात करते हैं, छठवीं चीज़ है वो है सिंगापुर फ्लायर, या फिर एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो जायंट व्हील, जहाँ पर से भी आप लोगों को पूरा सिंगापुर का व्यू मिलेगा, साथ में दूसरे साइड में जो है वो सी का व्यू मिलेगा। तो आप आराम से जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने नाइट टाइम पे विज़िट किया था जब वो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट बंद होने वाला था तब, बट मैं आपको ये बोलूँ कि व्यू जो था वो काफ़ी अच्छा था इवन एट नाइट। तो आप लोग अगर दिन में जा रहे हो तो भी आप लोगों को अच्छा व्यू मिलेगा, अगर आप लोग जो है वो नाइट में जा रहे हो तभी भी अच्छा व्यू मिलेगा। तो वो एक तरीके से बहुत ही बड़ा बोलते ना कि
10 फीट से भी ज़्यादा बड़ा एक तरीके से बॉल है, जिसके अंदर आप आराम से रुकोगे, बैठ भी सकते हो। और ये साइड में आप लोगों को सिंगापुर देखने मिलेगा, पीछे साइड में आप लोगों को सी देखने मिलेगा। अगर मौसम क्लियर हुआ तो आप लोगों को एक तरीके से मलेशिया के एक प्लेस की झलक भी मिल सकती है, डिपेंड्स लाइक दैट। एंड उसके लिए आप लोगों को जो है वो फी पे करना पड़ेगा सिंगापुर का SGD 30-33 SGDs। और सेम आप बे फ्रंट से भी चल के जा सकते हो या फिर प्रोमिनेट से भी चल के जा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको वहाँ पे कैसे पहुँचना है। अभी सातवीं चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये तो आपने मतलब बहुत जगह पे देखा रहेगा, बहुत फेमस है, ये है सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो। तो अगर आप लोगों को विजिट करना है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट ये जो है वो सेंटोसा आइलैंड पे है। तो वहाँ पे जाने के लिए अगर आप लोग इंडिया लिटिल इंडिया से आप लोग अगर पर्पल कलर का मेट्रो लोगे तो आप लोगों को हार्बर फ्रंट पे उतारेगा और वहाँ से आप लोग बस या फिर एक तरीके से टैक्सी करके जा सकते हो। अगर आपने फ्री पास लिया है तो आप बस से जा सकते हो। और फिर यूनिवर्सल स्टूडियो का फ़ी है समवेयर अराउंड 80 SGD से लेके 110, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, पकड़ लो कि राइड्स हो गया, फिर फन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो आपका एक पूरा दिन वहाँ पे निकल सकता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पर्पल कलर की मेट्रो भी जाती है और ऑरेंज कलर की मेट्रो भी जाती है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग आठवां प्लेस को भी विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है सी एक्वारियम। तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, उसका फ़ी है समवेयर अराउंड पकड़ लो 50-70 SGDs के बीच में, डिपेंड हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को सी या फिर मरीन लाइफ देखने मिलेगा अगेन, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और वो वहाँ से आप लोग अगेन फ्री बस वाला पास लेके जा सकते हो। थोड़ा सा दूर है, सेंटोसा आइलैंड पे ही ये सब चीज़ें थोड़ा सा दूर है, बट आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपका बजट कम है तो आप ये सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो और बाकी की जो फ्री चीज़ के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि गार्डन बाय द बे और बाकी की कुछ चीज़ें हैं उनको आप लोग विजिट कर सकते हो। अब इसके बाद नाइन्थ वाला प्लेस है मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, वो है अगर आप लोग सेंटोसा आइलैंड जा ही रहे हो तो वहाँ पे बीचेस आप लोगों को काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। सिंगापुर में तो वैसे बहुत कम बीच है, बट ये सेंटोसा आइलैंड पे जाओगे तो आपको स्पेशली वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर वाले बीचेस मिल जाएंगे। तो सिलोसो बीच बहुत ही फेमस है, मैंने विजिट किया था और मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा। एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग जो है वो बस ले लेना और बस से आप लोगों को वहाँ पे एकदम सिलोसो बीच के नज़दीक ही उतारेगा, वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगता है। और सिलोसो बीच पे आप थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्विमिंग भी कर सकते हो, आपको वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी मिलेंगे। सिलोसो बीच पे कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा लोग होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि वो फ्री है करके, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप लोग सिंगापुर जा रहे हो तो एक बार वहाँ पे विजिट कर लेना, आपको वो बीच बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लास्ट में हम लोग बात करते हैं 10वें प्लेस के बारे में, उसका नाम है सिंगापुर जू। तो सिंगापुर जा रहे हो तो एक बार उसको विजिट करना, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट तरीके के एनिमल्स देखने मिलेंगे। अगर आप लोगों को एनिमल्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग वहाँ पे जाने का प्लान कैंसिल कर सकते हो, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन यू। ब्लू मेट्रो एक ओनली मेट्रो है जो आप लोगों को शायद से वहाँ पे पहुँचाता है, उसके बाद आपको एक दूसरा मेट्रो लेना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग सिंगापुर जू में जा सकते हो। सिंगापुर जू का फ़ी है समवेयर अराउंड 50 SGDs के आसपास, अगर ऑल अराउंड आप कुछ पैकेज लेते हो समथिंग, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सिंगापुर जू के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें करनी, बर्ड्स है, फिर उसके अलावा फिशेस है अगेन, तो ये सारा चीज़ हो जाता है, तो आपको कितना पैसा और क्या क्या चीज़ें करनी है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।